आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अप्पे रेसिपी। ये मजेदार भी होती है और हेल्दी भी होती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो शुरू करते हैं अप्पे बनाना। आज मैं स्टफ्ड अप्पे बना रही हूँ। तो यहाँ इसके लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। ये लाल मिर्च है, चाट मसाला, अमचूर और नमक। ये ऑयल है, ये इनो है, ये राई है। ये एक हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये एक प्याज है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये हरा धनिया है। ये 3 कप सूजी है और 1.5 कप दही है। तो आइए शुरू करते हैं अप्पे बनाना। यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें राई मिक्स करूंगी। राई जब कड़क जाएगी तब और मसाले ऐड करेंगे। राई कड़क गई है, अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें आलू मिक्स कर देंगे। और इसमें जो सूखे मसाले थे, 1/2 कप लाल मिर्च, 1/2 कप नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये आलू का पेस्ट तैयार हो गया है, इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे। अब ये आलू का पेस्ट जो तैयार किया था उसकी मैंने छोटी छोटी बॉल बना ली है। यहाँ आप बैटर तैयार करेंगे। ये सूजी है, इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, फिर 1.5 कप दही ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून इनो पाउडर ऐड कर देंगे। इसे ज्यादा मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा सा मिक्स करना है। ये अप्पे मेकर गर्म हो गया है, इस समय मैंने ऑयल ऐड कर दिया। अब थोड़ी थोड़ी राई ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सूजी का पेस्ट ऐड करेंगे।
इन सब में मैंने थोड़ा थोड़ा सूजी का पेस्ट डाल दिया है। अभी आलू का बॉल डाल देंगे इसमें सब में। इस तरह से फिर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सूजी का पेस्ट डाल देंगे इस तरह से। अभी सारे तैयार हो गए हैं अप्पे। अब इनके थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर से भी डाल देंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं अप्पे तैयार हुए हैं कि नहीं। ये हो गए, इनको एक तरफ से पलट देते हैं। इसी तरह से सारे अप्पे दूसरी तरफ से पलट देंगे। देखते हैं हमारे अप्पे तैयार हुए हैं कि नहीं। ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए हमारे अप्पे तैयार हो गए हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इसे चटनी, सॉस, ग्रीन चटनी किसी के साथ भी खाएं, ये सबके साथ ही मजेदार लगते हैं।